हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ ओपिनियंस ऑफ टेलर एंड फेयोल। तो पहले हम देखेंगे सिमिलैरिटीज को। तो दोनों ही टेलर और फेयोल जो थे वो मैनेजमेंट की कंडीशंस में चेंजेस लाना चाहते थे। सेकंड, दोनों ही ह्यूमन फैक्टर के ग्रेट सपोर्टर थे। थर्ड, दोनों ने फोरकास्टिंग और प्लानिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। बोथ वर मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऑफ द सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम पे उन लोगों ने काम किया है और दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स थे। और दोनों ने ये माना है कि जो मैनेजमेंट है उससे पैसा कमाया जा सकता है, और उनका मानना है कि मैनेजमेंट में हम नई नई टेक्निक्स और साइंटिफिक वे यूज़ कर सकते हैं उसको अच्छे से करने के लिए। और दोनों ने ही अपनी अपनी प्रिंसिपल्स दिए हैं फॉर दी मैनेजमेंट। तो ये थी सिमिलैरिटीज ऑफ टेलर एंड फेयोल। अब हम बात करेंगे इनकी डिसिमिलैरिटीज की। तो सबसे पहली चीज़ कि जो टेलर थे उनका सेंटर ऑफ स्टडी था लेबर। वो लेबर को देखते हुए उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए थे। वहीं जो फेयोल थे उन्होंने अपना सेंटर जो था वो मैनेजर रखा था। टेलर के जो प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाते हैं, वेयर एज जो फेयोल के प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाते हैं। टेलर का जो एक्सपेरिमेंट पॉइंट था वो फैक्ट्री था, यानी कि वो उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया था वो फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, वहाँ पे जो लेबर काम कर रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। और फ्यूल का एक्सपेरिमेंट पॉइंट जो था वो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन था। टेलर ने कहा कि जो 8 बॉस स्कीम है वो बेस्ट है। वहीं फ्यूल का मानना था कि यूनिटी ऑफ कमांड, दैट मीन्स वन मैन कंट्रोल, इज द बेस्ट कंट्रोल। टेलर का ये मानना था कि एक आदमी इतना काम कैसे करेगा, तो उनके अकॉर्डिंग 8 बॉस होना चाहिए थे। जबकि जो फेयोल है उनका कहना था कि अगर ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा लोग कमांड देंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और काम ठीक से नहीं हो पाएगा। टेलर स्टडी एंड कंट्रीब्यूशन जो था वो लोअर लेवल पे था, लेबर टू मैनेजर। वहीं जो फेयोल का था वो जो था मैनेजर से स्टार्ट हुआ था और वो जाता है डायरेक्शन अथॉरिटी जो दी जाती है, डायरेक्शन देने की अथॉरिटी दी जाती है वो मैनेजर के हाथ में है इसके अकॉर्डिंग। अब एक और मैं आपको दो डिसिमिलैरिटीज और बताऊंगी इसकी। तो फिफ्थ है कि टेलर को फैक्ट्री एक्सपर्ट कहा है, वहीं जो फ्यूल है उनको मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो टेलर के प्रिंसिपल थे वो प्रैक्टिस में नहीं है, मतलब लोग उसको अप्लाई नहीं करते अपने बिजनेस में। वेयरएस जो फ्यूल के प्रिंसिपल हैं वो बहुत सारे इंटरप्राइजेज में यूज किए जा रहे हैं। ओके, ये आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी देख सकते हैं टेलर एंड फ्यूल का जो डिफरेंस है। ओके, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।